हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नई स्टोरी शुरू हो चुकी है गोकुलधाम का उल्टा चश्मा में, चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो उठे हैं आज के एपिसोड से। लेकिन उससे पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भाई की, आपके दोस्त की, जो भी आप मुझे मानते हैं उसकी रिक्वेस्ट है। आपका सहयोग, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी कामयाबी देता है। तो चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में। तो क्या ये लोग नया साल मना पाएंगे? क्या कामयाब हो पाएंगे अपना नया साल अपने दोस्त की पार्टी में जाकर मनाने के बारे में? चलिए बताता हूँ मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शंस क्या कहती है। तो दोस्तों, होगा ये, आप प्रोमो में भी देख चुके होंगे कि चाचा जी आएंगे वहाँ पर, उनसे पूछेंगे क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। लेकिन वो सिर्फ बताएंगे नहीं चाचा जी को, कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाचा जी को सब कुछ पहले पता होगा क्योंकि महिलाएं बता चुकी होंगी। तो तब चाचा जी उनको बोलेंगे या कहेंगे कि कहीं बाहर जाकर पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर गोकुलधाम सोसाइटी में ही सभी लोग मिलकर इकट्ठे मनाएंगे नया साल। तो गोकुलधाम के मर्दों की, गोकुलधाम के पुरुषों की बाहर जाकर पार्टी करने का जो सपना है, जो भी उनका ये दिली तमन्ना है, वो नहीं पूरी हो पाएगी। और गोकुलधाम में बड़े ही उत्साह के साथ, जोश और जुनून के साथ, सभी लोगों के साथ नया वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।